तो अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर 3 लाइंस देखने के मिलेंगे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको सिंपल से थोड़ा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अकाउंट प्राइवेसी। आपको सिंपल से अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है प्राइवेट अकाउंट का। अब आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो प्राइवेट कर देना है। यहाँ से आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है बिजनेस अकाउंट कैन नॉट बी प्राइवेट। तो दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, बिजनेस अकाउंट कैन नॉट बी प्राइवेट, तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। स्विच अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको स्विच टू बिजनेस अकाउंट एंड स्विच टू पर्सनल अकाउंट दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस अकाउंट पहले से ही है, जैसा कि उस एरर में बोल रहा था कि बिजनेस अकाउंट नॉट प्राइवेट, तो आप बिजनेस अकाउंट प्राइवेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा से एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो चुका है पर्सनल अकाउंट में। अब आपको क्या करना है, दोबारा से हम प्रोफाइल में जाएंगे एंड ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे अकाउंट प्राइवेसी में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें प्राइवेट अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, हम इसे ऑन कर देंगे। अब ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे। इसको ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है एंड यहाँ पे हम दूसरी प्रोफाइल में जाएंगे एंड दूसरी प्रोफाइल में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो सर्च कर लेते हैं अपना वही अकाउंट जो हमने प्राइवेट किया है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये अकाउंट प्राइवेट किया है। तो जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉलो करके रखा हुआ है। अब जैसे मैं इसे अनफॉलो करूँगा, जैसे कोई न्यू यूज़र होता है तो उसको आपका जो अकाउंट है प्राइवेट देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं हमारे ये जो अकाउंट है वो प्राइवेट हो चुका है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी और जब तक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप इसके अकाउंट पर जितने भी फोटो वीडियोस रील्स हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।